गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। अभी ना मैं आलू बॉईल होने के लिए रखा ही थी, क्योंकि आज ना आलू के पराठे बनाने हैं और टमाटर की मीठी वाली चटनी बनानी है। क्योंकि मैं बताऊँ, टमाटर ना प्लॉट से लेके आई थी, मतलब यहाँ पर सब्जी लगी है, वो काफ़ी पके पके से थे। नानी बोली इनकी मीठी चटनी बना लेना, खट्टी चटनी बना लेना। और बस जब खट्टी चटनी का नाम लिया तो फिर मैंने कहा कि चलो आलू के पराठा भी बना लेते हैं। वैसे भी नाना 2-3 दिन से बोल रहे थे कुछ अच्छा बनाओ कुछ अच्छा। पिछले 2 महीने से नाना मैं दाल दरिया ही खा रहे हैं, कुछ ज़्यादा खाते ही नहीं है। खाऊंगी ना उसमें कम ऑयल लगा दूंगी तो नाना थोड़ा अच्छे से खा पाएंगे। आलू क्या नुकसान करेगा, जैसे आलू का भरता खा सकते हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो फिर बस यही सोच के जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने। और यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं, ठंडे हो गए हैं। और ये आलू के साथ जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये परवल हैं। और वो वाले परवल हैं जो पान के साथ होते हैं, पता नहीं है पान की खेती के साथ की ही जाते हैं, क्योंकि ये नाना जी लेके आए हैं और बोल रहे थे कि जो भूख भूख नहीं लगती है ना तो उसमें ये फ़ायदा करते हैं, तो वो लेके आए थे। तो मैंने आलू के साथ ही बॉईल कर लिया है, क्योंकि पराठे तो वो कम ही खाएंगे और आलू और इसका भरता बना के देते हैं नाना जी को। और यहाँ पर नानी ने टमाटर काटे थे तो मैंने टमाटर की चटनी छौंक दी है, बहुत सिंपल सी छौंकी है। बस ऐसे जीरा वगैरह डाल दिया, हल्के से मसाला और थोड़ा सा टमाटर पक गया, उसके बाद ये गुड़ डाल दिया ताकि थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आ जाए। और हमारी कढ़ाई पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस घर में 4-5 कढ़ाई हैं, 4-5 कढ़ाई में से ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। और इसका ये ब्लैक ब्लैक ना छूटता ही नहीं है, आप चाहे जितना घिसो छूटता ही नहीं है, हल्का फुल्का छूटेगा बस ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि ये सिल्वर की कढ़ाई है, तो उस पर मत जाइए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू, तैयार कर रही हूँ मसाले मिला के सारे। और मामी की किचन में सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है मुझे ये नीचे गैस में खाना बनाने में। बहुत से लोग बोल रहे थे ऊपर रख लो, लेकिन ऊपर कैसे रखो, उन्होंने अपने हिसाब से सामान सेट करके रखा है। मैं अभी चेंज कर दूंगी फिर वो आएंगी, क्योंकि उन्हें तो नीचे ही बैठ के आराम मिलता है, लेकिन मुझे नीचे बैठ के बिल्कुल भी नहीं। मैं चीज़ें ही उठा उठा के परेशान हो जाती हूँ, कहीं कुछ बार बार नीचे सारा सामान रखा नहीं है। मामी पता नहीं कैसे कर लेती, वो तो सारा सामान उतार के रख लेती हैं सुबह और फिर बना के ऊपर रख देती है। मुझसे ऐसा होता नहीं है, फैलाया नहीं जाता है सामान। लेकिन नीचे बैठ के खाना बनाने में ना एक सुविधा तो होती है, आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि आप एप्रन पहनो या ना पहनो, आपके कपड़े जो गैस में स्लिप के पास खड़े होने में खाना बनाने में गंदे हो जाते हैं, छींटे आ जाते हैं ना, नीचे वो गंदे नहीं होते, आराम से बैठ के बना लो। और नानी को तो नाश्ता दे आई हूँ, अपना नाश्ता करने से पहले यहाँ पर नाना जी के लिए पानी लगाने आई हूँ बाल्टी में। बताइए, मार्च अप्रैल के टाइम पर भी हमारे नाना गर्म पानी से नहाते हैं, वो बोल रहे थे कि हमको नहाना है पानी लगा दो, तो बस बाल्टी में रॉड लगा के जा रही हूँ ताकि गर्म हो जाए। बताओ, ठंडा पानी पीने के लिए तो अब लोग बोल रहे हैं, हमारे नाना जी की अलग ही कहानी चलती है, उनको ना गर्म पानी चाहिए अभी भी नहाने के लिए। बताइए, यहाँ पर अभी मैंने समर खोली है, क्योंकि सटक से मुझे पानी डालना है किचन के, यहाँ जो जाली है उसमें पानी डालना है।
बाहर नल के पास जो जाली है वहाँ पानी डालना है। ये देखिए ये जाली है ना, यहाँ किचन का पानी आता रहता है, तो किचन में क्या है कि जूठन का पानी आता है, तो हल्की हल्की ना स्मेल आने लगती है, खाना पीने का पानी जाता है सिंक से। तो वही हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में या 15 दिन में ऐसे सटक से हर मतलब कि जाली जाली में पानी डाल देते हैं, उसके बाद फिनाइल वगैरह कुछ भी डाल दो तो बदबू नहीं आती है और कीड़े ईड़े आने का भी डर नहीं रहता है। और मैं काम करने जाती हूँ, नाना जी आ जाते हैं, तो जो 2 घंटे का काम होता है ना वो फिर 4 घंटे का काम हो जाता है। देखना अभी ये काम मुझे 15 मिनट भी नहीं लगते, मैं पानी डाल देती, लेकिन अब नाना जी ना पूरी जितनी जाली हैं बाहर से लेके अंदर तक रोड में सारे जगह, अब ऐसे कामों में नाना जी का इतना मन लग जाता है कि वो अपनी तबीयत भी भूल जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारी तबीयत ठीक है या नहीं। नहीं जल्दी जल्दी पानी डाल देना है, कहीं ऐसा ना हो लाइट ना चली जाए। पानी डाल के मैंने वाइपर फेर दिया है, साफ हो गया है। और यहाँ पर अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था, लाइट चली गई थी, तो दोपहर का टाइम में छत में भी नहीं जा सकते थे, इसलिए यहाँ पर नानी ने ये मूंगफली रखी हुई थी ना, तो नानी बैठे बैठे छील रही थी, तो फिर मैंने भी छिलवा लिया। लाइट जाने से एक फ़ायदा हुआ, काफ़ी हो गया, ये दाने निकाल लिए, जैसे नमकीन वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसमें यूज आ जाते हैं, नहीं तो उसी टाइम छीलने पड़ते हैं। वैसे भी रात में जब वो चूरन वगैरह खाते हैं ना तो उनको लाई मिला दे, उनको टेस्ट बदलने के लिए चाहिए होता है, चिकनाई होती ना वो सौंफ ले गुल्ले, तो फिर कल नमकीन बना लेंगे। हैं हाँ चलिए, अभी इसमें धूप लगानी पड़ेगी ना, धानों में थोड़ी धूप में और सूख जाए ना, घर के हैं तो इतने सारे हो गए। ये तो नमकीन छोटा सा पैकेट लेके आते हैं पोहा बनाने के लिए। और बस उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय बनाने, और जब दाने छीले देखे तो मैंने चाय के साथ थोड़े से फ्राई भी कर लिए हैं। और अब कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ चाय बहुत बनती है, तो मैं बताऊँ ना, चाय हमारे यहाँ की एक ख़ानदानी धरोहर है, और इसकी कहानी मैं कभी और आपको सुनाऊँगी, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और बस अभी मैं और नानी टीवी देख रहे थे, चाय पी रहे थे, और ये जो मूवी का सीन चल रहा था, ये मूवी किसने कितनी कितनी बार देखी है ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने एक भी बार देखी ही ना हो। और यहाँ पर अभी हो रही थी मामी से बात, क्योंकि मामी को कुछ बताना होता है या नानी को कुछ बताना होता है, मामी को कुछ पूछना होता है ना, तो वो फ़ोन लगा के नानी से पूछती हैं, तो मैं वीडियो कॉल लगा देती हूँ, इसी बहाने बात भी हो जाती है। और कई लोग बोल रहे थे कि तुमने अपने भाई की फ़ोटो नहीं दिखाई, तो ये रहा मेरा भाई फ़ोटो में, अभी देख लीजिए क्लियर पूरा नहीं दिख रहा है, फिर कभी दिखाएंगे जब वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये है मेरी इंस्टाग्राम के लिए मैंने रील शूट की थी, प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नन्नी सिंह ऑफिशियल, मैंने अपनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके मेरी रील देखिए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। और अभी 1 घंटे से नाना जी ने परेशान कर दिया, डॉक्टर की दी हुई दवाई पता नहीं कैसा डाउट रहता है क्या रहता है, जब डॉक्टर ने दवा दी है तो वो तो मैं देख के ही दी होंगी, नहीं नेट ज़्यादा वो है, और
सारी दवा जितनी भी दवा है ना, सारी दवाओं को गूगल में डलवा के दिखाते हैं, फिर एक बार में संतुष्टि नहीं होती है, बार बार डलवाते हैं। अभी दो दिन पहले सारी दवाई इन्होंने मुझसे दिखवाई थी, मैंने एक एक दवा इनकी गूगल में डाली थी, उसका यूज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, सारी चीजें एक एक करके बताई और सब दिखा दिया, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं होती। वही दवाई आज फिर शाम को लेके बैठ गए, अभी खाना खाने जा रही थी आधा घंटे से वही बता रही थी। और नेट में तो सारी दवाइयों को मतलब कुछ ना कुछ तो निकल के ही आता है उसमें, आधे मतलब कि इतने सारे यूज लिखे रहते हैं और साइड इफेक्ट भी साथ में लिखे रहते हैं, उसमें से कोई एक भी अगर नाना जी को मिल गया कि हाँ ये मैच कर रहा है हमारी कंडीशन से, तो बस ये दवा गलत है ये सही है, इसी के चक्कर में फिर एक घंटा बर्बाद हो गया। अभी जा रही हूँ खाना खाने, अच्छा खाते हैं खाना खा, छत में जाऊँगी घूमने तो कभी। इसी के साथ करूंगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया मेरा आज का तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।